नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई हमको देखना है, सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई देखना है, यानी वन स्पेस का मल्टीप्लिकेशन देखना है। इसमें जैसे कि मैंने क्वेश्चन पुट किया हुआ है, 8 × 5, क्या लिखा हमने, 8 × 5, यानी हमको 5 से 8 को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ना हमारे टेंस में कोई संख्या है, ना टेंस के नीचे वाले जगह पर कोई संख्या है, बस एक एक संख्या हमारे वन स्पेस पे दिया हुआ है, जिससे हमको गुणा करके उसको टोटल लिख देना है। तो अगर आपको टेबल याद है, तो अगर हम 5 का टेबल 8 टाइम्स पढ़े या 8 का टेबल 5 टाइम्स पढ़े, संख्या तो सेम आएगा। कितना आएगा, 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 20, 5 × 25 = 35, 5 × 35 = 40, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40। हमने देखा 5 जो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 40 आया। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ 0 और 4 = 40, टेंस प्लेस पे हम यहाँ 4 लिखेंगे सीधे इसके नीचे, और 0 हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। आइए इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 6 × 3 क्या है, 6 × 3, इसको हम पहले सबसे पहले फॉर्मेट पे डालेंगे, टेंस वंस लिखेंगे, फिर वंस के नीचे 6 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, और टेंस हमारा खाली हो जाएंगे। 6 का टेबल हमको कितने टाइम्स पढ़ना है, 3 टाइम्स, या फिर 3 का टेबल हमको 6 टाइम्स पढ़ना है। तो आइए हम 6 का टेबल ही 3 टाइम्स पढ़ते हैं। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 18 का 8 यहाँ जाएगा और 1 यहाँ जाएगा, ये हमारा 18 हो गया ना, 1 स्पेस हो गया ना 8, तो 1 प्लेस के नीचे, और 1 हमारा 10 स्पेस में, तो 10 प्लेस के नीचे, तो हमारा ये 18 हो गया। तो बच्चों इस तरह हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। सबसे पहले आपको टेबल याद होना चाहिए, टेबल याद रहेगा ये एक्सरसाइज हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो उस चैप्टर में, आप बेझिझक कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।